ऐसा है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसमें गाइडलाइंस हैं कि किसी भी कन्विक्ट की पैरोल अगर बारे में फैसला करना है तो जो कंसर्न्ड राज्य है उनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इस बारे में कंसल्ट किया जाना चाहिए। तो इस बारे में हमारे पास भी जी तो उनकी पैरोल से संबंधित हमारे पास आया था कंसल्टेशन के लिए। तो जब जब जी राम रहीम जी जो हैं उनकी कंसल्टेशन उनकी पैरोल के बारे में हमारे पास आया था और जब पहली बार हमारे पास जो पत्राचार हुआ था तो हमने उसमें कुछ और फैक्ट्स थे जो एलिसिडेट करने के लिए वापस हमने चिट्ठी लिखी थी। तो उसका जवाब आने पर उसके बाद वो जो सारे फैक्ट्स और जो हमारे पास जवाब आया था उसको कंसिडर करते हुए हमने जो परामर्श हमारी तरफ से बनता था वो दे दिया है। और उसके अंदर हमने यही कहा है कि जो तथ्य आपने हमारे पास लिख के भेजे हैं जिनके बेस पर आप पैरोल के बारे में फैसला करना चाहते हैं उनकी सत्यता जांचना आप अपने लेवल पे इंश्योर करें और उसके बाद अपना फैसला इस बारे में करें। साथ ही उन्होंने हमारे को कुछ ऐसी शर्तें लिखी थी कि जो पैरोल पे अगर हम उनको भेजते हैं तो कुछ शर्तें लागू होंगी। तो उसके अंदर कि ये किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, ये हरियाणा में एंट्री नहीं करेंगे और कोई पब्लिक स्पीच नहीं देंगे। तो साथ में हमने कहा कि भाई आप इन शर्तों का भी अनुपालन करना इंश्योर करें और यदि कोई शर्त आप पैरोल देते हैं और यदि किसी शर्त की उल्लंघना होती है तो पैरोल कैंसिल की जाए। जी यही मुख्य शर्तें थी। देखिए इस बारे में कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो फैसला करेगी पैरोल देना या ना देना। जी जी हमारे पास जो पत्राचार हुआ था एसीएस होम जेल डिपार्टमेंट से हुआ था। जी हमने हमारा परामर्श स्पष्ट तौर पर दे दिया। ऐसा है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसमें गाइडलाइंस हैं कि किसी भी कन्विक्ट की पैरोल अगर बारे में फैसला करना है तो जो कंसर्न्ड राज्य है उनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इस बारे में कंसल्ट किया जाना चाहिए। तो इस बारे में हमारे पास भी जी तो उनकी पैरोल से संबंधित हमारे पास आया था कंसल्टेशन के लिए। तो जब जब जी राम रहीम जी जो हैं उनकी कंसल्टेशन उनकी पैरोल के बारे में हमारे पास आया था और जब पहली बार हमारे पास जो पत्राचार हुआ था तो हमने उसमें कुछ और फैक्ट्स थे जो एलिसिडेट करने के लिए वापस हमने चिट्ठी लिखी थी। तो उसका जवाब आने पर उसके बाद वो जो सारे फैक्ट्स और जो हमारे पास जवाब आया था उसको कंसिडर करते हुए हमने जो परामर्श हमारी तरफ से बनता था वो दे दिया है। और उसके अंदर हमने यही कहा है कि जो तथ्य आपने हमारे पास लिख के भेजे हैं जिनके बेस पर आप पैरोल के बारे में फैसला करना चाहते हैं उनकी सत्यता जांचना आप अपने लेवल पे इंश्योर करें और उसके बाद अपना फैसला इस बारे में करें। साथ ही उन्होंने हमारे को कुछ ऐसी शर्तें लिखी थी कि जो पैरोल पे अगर हम उनको भेजते हैं तो कुछ शर्तें लागू होंगी। तो उसके अंदर कि ये किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, ये हरियाणा में एंट्री नहीं करेंगे और कोई पब्लिक स्पीच नहीं देंगे। तो साथ में हमने कहा कि भाई आप इन शर्तों का भी अनुपालन करना इंश्योर करें और यदि कोई शर्त आप पैरोल देते हैं और यदि किसी शर्त की उल्लंघना होती है तो पैरोल कैंसिल की जाए। जी यही मुख्य शर्तें थी। देखिए इस बारे में कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो फैसला करेगी पैरोल देना या ना देना। जी जी हमारे पास जो पत्राचार हुआ था एसीएस होम जेल डिपार्टमेंट से हुआ था। जी हमने हमारा परामर्श स्पष्ट तौर पर दे दिया।